देश के साथ साथ लखनऊ के बाजारों में होली का रंग छा गया है। राजधानी में जगह जगह रंगों और गुलालों की दुकानें सज गई हैं, जिसको लेकर बाजारों में काफी दिनों बाद रौनक एक बार फिर देखने को मिली। महंगाई के बावजूद बाजार में उत्साह देखा जा रहा है। होली महीने के अंत में है, लेकिन इसका असर बाजार पर नहीं दिख रहा है। हालांकि पिछले साल की अपेक्षा इस साल महंगाई 1.5 से 2 गुना तक बढ़ गई है। वहीं इस बारे में हमारे संवाददाता ने लखनऊ के निराला नगर के दुकानदारों से बातचीत कर मार्केट का हाल जाना। इसके साथ ही इस बार रंगों और पिचकारियों में क्या कुछ खास है, इसके बारे में भी दुकानदारों से बातचीत की। बाजारों में भी अब दिखने लगा है। जगह जगह पर स्टॉल लगाए जा रहे हैं, लोग कपड़ों की खरीदारियों के साथ साथ रंगों और गुलालों और पिचकारियों की भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस बार क्या है कुछ खास इस होली में कोरोना के साथ। इसमें होली में ज़्यादातर भजन टाइम पे सब आदमी पटाखे का ही आइटम ही मांग रहे हैं। कस्टमर जो है गुलाल खुला हुआ पीस नहीं ले रहा, पैकिंग ही सारा आइटम ले रहे हैं। और जो आइटम है बहुत आइटम आए हुए हैं पटाखे में, लॉलीपॉप आया हुआ है, गन आया हुआ है, अक्सर अनार आया है 3 पीस का और 2 पीस का भी अनार आया है, स्टैंडर्ड का भी आया है, हर चीज़ के कस्टमर का आया हुआ है। 8 शॉट तक का आया हुआ है गुलाल, कि वो नीचे जमीन में रख के 8 शॉट निकलता रहेगा गुलाल। अच्छा, और ये सरकार ने चाइना के माल को बंद किया हुआ है, चाइना के माल को कोई मतलब कुछ उनकी पिचकारियाँ गुलाल ऐसा कुछ है? मैम इस साल चाइना का माल कुछ नहीं आया, जो मेरे पास पिछले के 8-10-15 पीस पड़े थे वही मेरे पास है। इस साल मैंने चाइना का माल रखा हुआ, आया भी मैंने नहीं छोड़ दिया, मुझे इंडियन ही पसंद है, मैं इंडियन ही माल बेचूँ, मैं इंडियन का आदमी हूँ, इंडियन ही माल बेचूँगा। मैम कोरोना पे बहुत फर्क है, क्योंकि चाइना का आइटम बेच रहा है, कस्टमर कोई नहीं छू रहा, जो कस्टमर सब इंडियन ही मांग रहा है, मैं इंडियन का ही माल ही बेच रहा हूँ।